बहुत सादी सी बात है, सादा सी बात है, आपके पास सबूत होता तो 10 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है, आप वो सबूत निकालते और जजेस के आगे उनकी टेबल पे रखते। तो कभी कोरोना हो जाता है, कभी एक वकील बदल जाता है, कभी दूसरा वकील बदल जाता है, कभी तीसरा वकील बदल जाता है। आज भी जो पिछली दफा वकील अपॉइंट हुए थे वो आज नहीं आए। नैब क्लूलेस है। तो मैं मुअज्जिज बेंच से जस्टिस अतर मिनहला साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास सबूत नहीं है और अगर नैब जानबूझ के इस केस को ड्रैग कर रही है तो मेरे जो बतौर शहरी पाकिस्तान के जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना होने दिया जाए। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे सजा दें, मुझे टांगें। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, NAB has failed to produce evidence, तो फिर मेरे बेसिक राइट्स को प्रिजर्व किए करते हुए मेरा ऑनर एट स्टेक है। जब मैं अदालत में आती हूँ जाती हूँ मेरा ऑनर एट स्टेक है, तो मेरा एक राइट है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अदलिया से कि NAB की इस ज्यादती का नोटिस लें, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये बात मैं करना चाहती हूँ। मैं इजाज़त नहीं दूंगी किसी को भी, या चाहे वो नैब हो या वो कोई झूठा मुकदमा हो, कि इस तरह से मरियम बनाम स्टेट की आवाज़ें लगा करें। और जब एविडेंस प्रोड्यूस करने की बात आए तो वहाँ पर नैब जो है वो पतली गली से निकल जाए, ये नहीं होगा। अगर मैंने अगर कोई गलत काम किया है, कोई जुर्म किया है, तो मुझे टांग दें। लेकिन अगर मैंने नहीं किया, अगर नैब झूठी साबित हुई है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो फिर नैब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए।